Assalamu alaikum students. Okay, we'll continue our reading related to the lesson, the silver lining. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो कह रहा था कि उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम किया और बिठाया, काफ़ी वगैरह पेश की. देन पुट मी एट माई ईज बाई टेकिंग टू मी इनफॉर्मली टॉकिंग टू मी इनफॉर्मली अबाउट माई सेल्फ एंड माई विजिट. तो कहता है उन्होंने मेरे से इनफॉर्मल गुफ्तगू की. इनफॉर्मल होता है यानी दोस्तों की तरह, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आप जो है वो इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आप गपशप कर रहे हो. तो कहता है उन्होंने मुझे, इससे मुझे बड़ी ईज फील हुई, मैंने बड़ा फ्रैंक महसूस किया. आई वॉज कम्प्लीटली वन ओवर बाई दी फैमिली, कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुझे, मेरा दिल जीत लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट अपीयर्ड एज इफ आई हैड नोन देम फॉर ईयर्स, मुझे ऐसे लगा कि मैं उनको कई सालों से जानता था. वाइल दस चैटिंग विद द टू ऑफ देम, यानी वो हस्बैंड और वाइफ से बात करते हुए, गप शप करते हुए, आई बिकेम अवेयर ऑफ द स्लाइटली बिल्ट गर्ल, कि मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी जो बड़ी खुश जो है वो खुश शक्ल थी, स्लाइटली बिल्ट यानी बड़ी खूबसूरत थी. हाइडिंग बिहाइंड दी सेटी, सेटी मीन्स सोफ़ा आप कह सकते हैं. कहता है कि वो सोफे के पीछे छुपी हुई थी, वो छुप के देख रही थी, उसका फेस ऊपर था. शी मस्ट हैव बीन अबाउट 8, मतलब ऐसे फील होता था कि उसकी उम्र 8 साल थी. एंड वॉज स्वीट एंड चार्मिंग, और वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की थी, लाइक हर मदर अपनी माँ की तरह. एंड वॉज ट्राइंग टू अवॉइड मी, और वो मुझे अवॉइड करना चाह रही थी, मुझसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी, जैसे आम बच्चे करते हैं, घरों में कोई न्यू कमर आ जाए तो वो हिचकिचाते हैं, शाई फील करते हैं. आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग, कहता है कि मैं मुस्कुरा दिया उसको देख के, मैं मुस्कुराहट नहीं रोक सका. आई सॉ दैट शी वाज स्टेयरिंग एट मी, वो मुझे घूर रही थी, मैंने देखा कि वो घूर के देख रही थी मुझे, स्टेयर. आई सेड व्हाट्स योर नेम, मैंने उस बच्ची से कहा आपका क्या नाम है, पूछा. एंड बेकंड टू हर टू कम टू मी, बेकंड बुलाना, और मैंने उसे अपने पास बुलाया, मैंने कहा, मैं जैसे हम कहते हैं कि बेटा बात सुनो, इधर आओ, क्या नाम है आपका, तो इस तरह से. द गर्ल बिकेम इमीडिएटली सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि वो थोड़ा शाई फील करना शुरू हो गई, सोचना शुरू हो गई. शुक हर हेड, उसने अपना सर हिला दिया कि मैं नहीं आऊँगी. एंड स्टूड वेयर शी वाज, और वहीं खड़ी रही जहाँ वो थी. आई कॉल्ड वंस मोर, मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, हेलो कम हियर डियर, कि बेटे इधर आओ, बात सुनो. शी ब्लश्ड, यानी वो फिर ब्लश, यानी चेहरा सुरख हो जाना, शर्मा जाना. एंड अगेन शुक हर हेड, और दोबारा से उसने नफ़ी में सर हिला दिया कि मैं नहीं आऊँगी. आफ्टर अ सेकेंड, दोबारा इस तरह करने के बाद शी रैन आउट, और वो वहाँ से भागकर बाहर चली गई. आई थॉट आई सॉ टीयर्स इन हर आइज, मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू भर गए थे. आई सडनली बिकेम अवेयर ऑफ एन ऑकवर्ड पास इन द रूम, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कमरे में कोई ऑकवर्ड सी खामोशी, कोई पास लग गया हो, कोई खामोशी हो गई हो, कोई जो गपशप चल रही थी वो वहीं रुक गई. टर्निंग टू लुक एट दी अहद्स, जब मैंने अहद्स फैमिली यानी मिस्टर अहद और उसकी वाइफ यानी अहद्स उस फैमिली को की तरफ दोबारा देखा, तो मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है एक लम्हे के लिए. आई डिस्कवर डैट बोथ ऑफ देम वर फ्रॉनिंग, त्यूरी चढ़ाना, बाल डालना माथे पे. अ पेनफुल लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर नाखुशगवार तसरात थे, तकलीफ दे तसरात थे. मिस्टर अहद सेड अपोलोजेटिकली, कि माजरत खाना अंदाज में मिस्टर अहद ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, ये मिस्टर नदीम यानी जो ये विस्टर है ये अपना नाम बता रहा है, मिस्टर नदीम. यू सी आवर डॉटर कैनॉट हियर एनी थिंग नॉट स्पीक, कि हमारी बेटी जो है ना वो सुन सकती है ना बोल सकती है, यानी वो डम एंड डेफ है. डैट्स वाई शी डिड नॉट कम टू यू, इसलिए वो आपके कहने पर आपके पास नहीं आई. आई गेस्ट एंड मटरिंग समथिंग अबाउट बींग सॉरी, कहता है कि जब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया और आपने मटर का मतलब होता है बुड़बड़ाना, अपने आहिस्ता से बोलना कि सॉरी फील करना. आई बिकेम कन्फ्यूज एंड डिड नॉट नो वट मोर टू से, कहता मैं कन्फ्यूज हो गया, परेशान हो गया, और मुझे नहीं लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या कहूँ. फॉर आई वॉज फीलिंग अशेम्ड एट माई फॉरवर्डनेस विद अ चाइल्ड हु वॉज ऑब्वियसली नॉट इन पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू माई अप्रोचेज ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने बच्चे की तरफ जो है वो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया
जो कि इस हालत में नहीं थी, वो मेरी ये जो दोस्ती का जेस्चर था उसको रिस्पॉन्ड कर सकती। आई वेगली फेल्ट आई हैड रॉन्ग्ड हर एंड हर पेरेंट्स, वेगली नॉट क्लियर, कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ गलत किया है उस बच्चे के साथ, बच्ची के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग टू सी डैट दिस वॉज ए सिचुएशन द पुअर पेरेंट्स हैड टू पुट अप विद ऑलमोस्ट डेली। कहता मुझे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये देखने में, समझने में कि इस तरह के जो हालात थे, यानी वो बच्चे के साथ जो होता था, वो उसके वालदैन को तकरीबन हर रोज़ इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट्स का सामना होता था। यानी जो भी गेस्ट आता था, ज़ाहिर है वो बच्ची को देखता था, प्यारी बच्ची थी, हर कोई उसे बुलाने की कोशिश करता था कि बेटा आओ पास सुनो, लेकिन वो आगे से नहीं बोलती थी और डेली इस तरह की सिचुएशन होती थी। फॉर एवरी डे वन आर टू गेस्ट लेफ्ट एंड न्यू वंस केम अलॉन्ग, क्योंकि हर रोज़ कोई एक दो गेस्ट चले जाते थे और नए आते थे। एंड एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग आर सून आफ्टर वर्ड्स, और पहली मुलाकात में या फौरन उसके बाद, दे वुड रन इनटू द चाइल्ड, वो उस बच्चे के पास जाते और उससे बातचीत करने की कोशिश करते। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या है।